हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सेब्बी कुमार और मैं आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेब्बी मेंटर में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गियर बॉक्स के लिए गियर ऑयल का सिलेक्शन कैसे किया जाए। इंडस्ट्री में अलग अलग विस्कोसिटी के गियर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि गियर ऑयल का सिलेक्शन किस आधार पर किया जाए। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि कोई जानकारी मिस ना हो। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडस्ट्री में एक प्रकार की गियर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि गियर ऑयल 680, गियर ऑयल 460, गियर ऑयल 320, गियर ऑयल 220 और गियर ऑयल 68। जनरली हाई स्पेसिटी वाला ऑयल का जो सिलेक्शन होता है वो हम करते हैं स्लो स्पीड वाले गियर बॉक्स के लिए, और जो लो विस्कोसिटी वाला ऑयल होता है उसका सिलेक्शन हम हाई स्पीड वाले गियर बॉक्स में करते हैं। आपने भी शायद देखा होगा कि स्लो स्पीड वाला जो गियर बॉक्स का इस्तेमाल वेब फीडर में किया जाता है, जिसमें हम गियर ऑयल यूज़ करते हैं 460 का, और जो कन्वेयर बेल्ट का जो ड्राइव वाला जो गियर बॉक्स है इसमें उसका स्पीड इससे थोड़ा ज़्यादा होता है, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं गियर ऑयल 320 का। गियर ऑयल सिलेक्शन करने के लिए एक टर्म यूज होता है पिच लाइन वेलोसिटी। पिच लाइन वेलोसिटी के आधार पर हम गियर ऑयल का सिलेक्शन करते हैं। साथ ही साथ एक टर्म यूज होता है, वो है टेम्परेचर। तो जब हम लीनियर गियर रेक की बात करते हैं उस समय उसके लिए सही शब्द है पिच लाइन, और जब हम सर्कुलर गियर की बात करते हैं उसके लिए सही शब्द यूज होता है, वो है पिच सर्कल। हालांकि जो पिच लाइन का इस्तेमाल हम सर्कुलर गियर के लिए जब लीनियर वेलोसिटी निकालते हैं उस समय करते हैं। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि पिच लाइन वेलोसिटी कैसे निकाला जाए। पिच लाइन वेलोसिटी निकालने के लिए गियर का हमें डायमीटर देखना है। डायमीटर कहाँ पर देखना है? जो हमारा पिच लाइन है, पिच लाइन पर, अर्थात जो हमें पिच सर्कल डायमीटर उसको नापना है, वो मेजरमेंट रहेगा हमारा मीटर में। और हमारा जो फार्मूला है वो है डायमीटर इंटू 3.142 इंटू रिवोल्यूशन पर मिनट डिवाइड बाई 60 मीटर पर सेकंड। तो इस प्रकार हमारा जो पिच लाइन वेलोसिटी है वो हमारा मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। आइए इसे एक उदाहरण के रूप में समझते हैं। यदि हमारा पिच लाइन का वेलोसिटी फार्मूला को सॉल्व करने के बाद आता है 1 से लेके 2.5 मीटर पर सेकंड तक, उस समय हमें ऑयल का टेम्परेचर देखना है कि हमारा ऑयल का टेम्परेचर कितना है। यदि हमारा ऑयल का टेम्परेचर 55 से लेकर 60 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उस समय हम ऑयल यूज़ करेंगे 460 का, और यदि हमारा ऑयल का टेम्परेचर है 65 डिग्री सेंटीग्रेड उस समय हम ऑयल यूज़ करेंगे 680 का। तो इस चार्ट के आधार पर हम पिच लाइन वेलोसिटी और टेम्परेचर रेंज के आधार पर हम गियर ऑयल का सिलेक्शन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, हमने गूगल प्ले स्टोर में एक ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है सेब्बीमेंटर, जिसमें आपको इंडस्ट्री से रिलेटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग टॉपिक में अलग अलग इक्विपमेंट के ऊपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और उसके वीडियो मिलेंगे। साथ ही साथ आपको मिलेंगे इसमें डॉक्यूमेंट जो कि पीडीएफ फॉर्म में होंगे। तो हमने इसमें एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि अधिकतर जॉब वाले इंटरव्यू में पूछा जाता है। तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर जरूर से डाउनलोड कर लें और ऐप में ऑनलाइन टेस्ट देकर इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हैं। और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो यदि आपके 1% भी काम का लगे तो वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इसकी जानकारी ले सकें। और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी मिलती रहे।